मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली सचिवालय में हुए हमले के दूसरे दिन राजनीति तेज हो गई है। आम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला करवाया। वहीं आपके विरोध प्रदर्शन का जायजा के न्यूज संवाददाता संजय वर्मा ने लिया। सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया था, जिसका बाद राजनीति गरमा गई है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आरोप लगाया है कि इसके पीछे जो है बीजेपी और बीजेपी के अलावा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, और इसी को लेकर आज उन्होंने यहां पर बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आ गए, लगातार हंगामा कर रहे हैं, साफ देना है। उनके पीछे कहीं ना कुछ हमले के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेवार है, उसको लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हैं, इसके अलावा पुलिस भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। संजय वर्मा, के न्यूज़, इंडिया।